हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की खास क्या है, क्या सिखाऊंगा। देखिए, टेबल में अगर आपको अलग से कॉलम ऐड कराना है तो एसक्यूएल में कैसे ऐड कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑलरेडी ओपन है, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक ब्लैंक डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें इस टेबल में तो काम करना नहीं है तो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं। फिर यहाँ से आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर और इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल व्यू मिलेगा आपको, यहीं पर हमें काम करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट, क्योंकि एक टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम दे देते हैं हम, इस टेबल का नाम प्रोडक्ट दे देते हैं। प्रोडक्ट टेबल कर देते हैं, प्रोडक्ट टेबल। तो ये प्रोडक्ट टेबल कर देने के बाद यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर चीजों को दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप दे देते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप दे दिया। अब कॉमा देते हैं, ठीक है, कॉमा देने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहाँ पर कर देंगे नेम ऑफ कस्टमर, ये लिखा नेम ऑफ कस्टमर। अब मान लीजिए कि आप प्राइस का कॉलम लगाना इसमें भूल गए हैं, प्राइस का कॉलम आपने दिया ही नहीं है, तो फिर बाद में एक कॉलम ऐड कैसे होगा। कस्टमर का डेटा टाइप मेंशन करना होगा तो यहाँ पे वेयर केयर कर देते हैं, वेयर केयर ये कर दिया हमने। और वेयर केयर में साइज मेंशन कर देते हैं कितनी साइज आएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, तो ये मैंने दे दिया। बस यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोडक्ट टेबल बन गई है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज हम ऐड करना भूल गए, प्राइस। तो प्राइस की जो प्राइस के लिए जो कॉलम है वो कैसे ऐड कराएंगे, इसको ऐड कराने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको पहले सेव कर देता हूं और यहां से क्लोज कर देता हूं। ये जो क्वेरी बनाई इसको भी क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर देता हूं, चलिए, और यहां से इसको क्लोज भी कर देता हूं। क्लोज कर दिया। अब हमें नया टेबल ऐड करना है तो वापस से चलते हैं क्वेरी डिजाइन और यहां पर एक एसक्यूएल की क्वेरी बनाते हैं। तो यहां से एसक्यूएल पर क्लिक करना है और यहां पर आना है। ठीक है, हम यहां पर टेबल को अल्टर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अल्टर। तो हमें यहां लिखना होगा अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट टेबल नाम है ना, तो यहां पर लिखिए अल्टर और फिर लिखिए टेबल, टी ए बी एल ई। ठीक है, अल्टर टेबल लिखा हमने। अल्टर टेबल लिखने पर टेबल का नाम देना है, तो टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट टेबल, टी ए बी एल ई, प्रोडक्ट टेबल लिख दिया। प्रोडक्ट टेबल लिखने के बाद क्या करना है? एड, ए डबल डी, क्योंकि एड करवाना है ना। क्या ऐड करवाना है? कॉलम ऐड करवाना है, तो कॉलम का नेम देंगे यहाँ पे, जो भी कॉलम ऐड करवाना है उसका नेम यहाँ पे देंगे। तो मान लीजिए हमें प्राइस नाम का कॉलम ऐड करवाना है, तो यहाँ प्राइस लिखा और फिर मेंशन करना होगा उसका डेटा टाइप। तो प्राइस का जो डेटा टाइप होगा वो करेंसी होगा, तो यहाँ करेंसी लगा दिया हमने, बस इतना ही तो करना है। और यहाँ सेमी कॉलन लगा दीजिए और बस अब रन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही रन करेंगे तो ये जो है क्वेरी टू रन हो चुकी है, और जब प्रोडक्ट टेबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस भी दिखाई पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, लाइक कीबोर्ड लिख दीजिए, ये लिख दिया कीबोर्ड। और कीबोर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो नेम ऑफ कस्टमर, कौन ले जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गौरव। ठीक है, ये कस्टमर का नाम हो गया। और यहाँ पे प्राइस, तो 500 रुपए प्राइस आ गई। तो देखिए, अब प्राइस का कॉलम भी ऐड कर लिया। अब मान लीजिए दूसरा कोई कॉलम ऐड करना हो, यूनिट का कॉलम ऐड करना हो, तो अब क्या करेंगे? फिर क्वेरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, ये क्वेरी डिजाइन पे आए, ठीक है, और यहां पर क्लोज कर दीजिए इसको, यहां से एसक्यूएल व्यू पे आ जाइए। यहां पर भी लिखिए अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है हमारे प्रोडक्ट टेबल, तो यहां पर लिख दीजिए प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, और यहां पर लिखिए टेबल, टी ए बी एल ई, तो प्रोडक्ट टेबल लिख दिया ये सिंपल वे में। ठीक है, और प्रोडक्ट टेबल लिखने के बाद क्या करना है? जैसे ही हम प्रोडक्ट टेबल लिखेंगे तो एड करवाने के लिए नीचे आएंगे। ठीक है, तो एंटर करिए, ऐड करवाइए नीचे, ए डबल डी ऐड लिख दिया। और किसको ऐड करवाना है? तो यहां पर कॉलम ऐड करवाना है जिसका नाम क्या होगा, जो भी कॉलम होगा उसका नाम यहां पे देना है। तो यूनिट हमें ऐड करवाना है, तो ये यूनिट लिख दीजिए। यूनिट जैसे ही लिखेंगे तो इसके बाद इसका डेटा टाइप मेंशन कर दीजिए, तो यूनिट का डेटा टाइप क्या होगा? यहां पर हम लिख देते हैं एफ एल ओ ए टी, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया। अब बस यहां से सेमीकोलन लगाइए और रन पे क्लिक कर देना है आपको। तो पहले तो इसको क्लोज करना होगा, प्रोडक्ट टेबल को क्लोज कीजिए, क्वेरी टू को क्लोज कीजिए, सेव करके और क्लोज कर दीजिए क्वेरी टू को। ठीक है, ये क्वेरी टू को क्लोज कर दिया, यहां से क्लोज करेंगे। अब ये क्वेरी थ्री जारी है, तो बस यहां से वापस आ जाता हूं और यहां से रन करवा लेता हूं, तो रन हो गया। अब आप देखेंगे यूनिट की भी इसमें कॉलम ऐड हो गया है। तो इस तरीके से कॉलम ऐड कराना बड़ा आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।